फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फॉर लर्नर डेस्टिनी। टुडेज टॉपिक इज मैटर वेव फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब ये टॉपिक का नाम सुन के आपके दिमाग में, सबके दिमाग में क्वेश्चन आ चुका होगा कि ये जो मैटर वेव का कंसेप्ट डी ब्रोगली ने बताया था उसको अब डेविएशन एंड जर्मन ने तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे चुके थे, लेकिन उसके प्रूफ के बाद में भी अपन बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर कमियाँ रह गई है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही वेवलेंथ वेव होती है क्या? क्यों जो बड़े पार्टिकल्स है उसके लिए मैटर वेव एसोसिएटेड नहीं होती है क्या? मीन्स वॉर्ड के जो डी ब्रोगली ने बोला था कि नेचर को सिमेट्री पसंद है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल पार्टिकल जो है उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड होंगी। लेकिन ये जो टॉपिक है उसके हेडिंग से आप बोलोगे क्या कि माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ऐसा होता होगा? नहीं, ये बात नहीं है। फॉर अ माइक्रो पार्टिकल्स भी जो वेव है वो होती है, जो वेव है वो एसोसिएटेड होती है, बट उसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है कि अपन उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब माइक्रो पार्टिकल के लिए क्या होता है, माइक्रो पार्टिकल के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं अपन इस वीडियो में। और जो डी ब्रोगली ने सब कुछ बताया था वो सही है कि गलत है, ये भी देखेंगे अपन इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में कि डी ब्रोगली ने जो कुछ भी बताया कि कोई भी मैटर है उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड है जिसका नाम उन्होंने मैटर वेव रखा, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए है, और माइक्रोस्कोपिक के लिए किसके लिए वैलिड है और कैसे क्या होता है वो सब अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो ये देखने से पहले आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ कि डी ब्रोगली जो है उन्होंने एक बताया था कि कोई भी अगर पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए। इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी 1923 में, और डेविएशन एंड जर्मन ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया था 1927 में। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उससे ये बता दिया था कि ये जो है वो एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली आप सिर्फ नहीं बोल सकते हो, उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी उन्होंने ब्रैग्स लॉ का यूज़ करके उसकी वेवलेंथ जो फाइंड आउट की थी वो डी ब्रोगली रिलेशन जो है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा नज़दीक था। तो इस वजह से ये जो है सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुकी थी। ओके, लेकिन अब यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि जो डी ब्रोगली है वो ओनली माइक्रोस्कोपिक के लिए ही है क्या? डी ब्रोगली वेवलेंथ ओनली माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ही है क्या? माइक्रो पार्टिकल्स मतलब जो बड़े पार्टिकल्स है उसके लिए ये एसोसिएटेड नहीं है क्या, इसके लिए वैलिड नहीं है क्या? लेकिन डी ब्रोगली का तो बोलना ये था ना कि माइक्रो पार्टिकल रहो या माइक्रो पार्टिकल रहो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। बट यहाँ पर अपन क्यों माइक्रो पार्टिकल्स के लिए निग्लेक्ट करते हैं, ओनली माइक्रो पार्टिकल के लिए ही क्यों अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं, माइक्रो के लिए क्यों नहीं यूज़ करते? तो ये सारा चीज़ देखने वाले हैं अपन इस वीडियो में। छोटा है बट शॉर्ट बट स्वीट वीडियो है। अब यहाँ पर आपको जनरल रूल बताऊंगी मैं कि जनरल रूल क्या है कि डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ है वो अगर ऑब्जेक्ट के इससे कंपैरिजन में रही, ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में, अगर कोई पार्टिकल है उसके साइज़ के कंपैरिजन में या उस साइज़ से अगर उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा रही तो आप बोल सकते हो कि उस वो ऑब्जेक्ट का जो कुछ भी वेव नेचर है वो आप डिटेक्टेबल है और वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इफ़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज़ टू स्मॉल, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है एज़ कम्पेयर टू इट्स साइज, अगर किसी पार्टिकल के साइज से उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है तो वो डिटेक्टेबल नहीं होंगी, मतलब होंगी लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगे। मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की साइज़ बड़ी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़े साइज़ का है तो उसकी जो वेवलेंथ है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ दैट पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, और उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएंगी तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब होंगी बट डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो कहीं तो भी बहुत ज़्यादा छोटे अमाउंट में होने की वजह से डिटेक्ट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और एज़ कम्पेयर टू दैट वेव, अगर उस वेव के कंपैरिजन में जो पार्टिकल है उसकी साइज़ कंपैरिजन में रही, मतलब थोड़ी सी कम ज़्यादा रही, या फिर वो जो वेव है वो पार्टिकल से भी बड़ी साइज़ की रही तो वो आप डिटेक्ट कर सकते हो और वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अब ये क्या है, ये जनरल रूल क्या है वो अपन एक प्रॉब्लम लेके भी समझने वाले है। ओके, तो डोंट बी टेंस।
अब ये जो रिबॉगली वेवलेंथ का एक्सप्लेनेशन है वो अपन टू एग्जांपल लेके करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बुलेट का एग्जांपल लेके करेंगे. ओके अब जो इलेक्ट्रॉन की साइज़ है वो अपने को पता है बहुत ज़्यादा छोटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर माइक्रो पार्टिकल हो गया, छोटा पार्टिकल हो गया. ओके और ये जो बुलेट है उसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये जो बुलेट है वो माइक्रो पार्टिकल अपन कंसिडर करने वाले हैं. ओके अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं अपन. दोनों एग्जाम्पल से ये पता करेंगे कि जो वेवलेंथ है वो माइक्रो पार्टिकल के लिए अपन निगलेक्ट क्यों करते हैं. ओके अब यहाँ पर जो है एक बात ध्यान में रखने की है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी साइज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, छोटी होती है. अब अगर इलेक्ट्रॉन के साथ कोई वेव एसोसिएटेड होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के साइज़ से वो कंपेरेबल होंगी या फिर इलेक्ट्रॉन के साइज़ से वो बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है. अब डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो अपने को पता है, लैम्डा होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, जहाँ पर एच जो है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और पी जो है वो होता है मोमेंटम. अब पी का जो है वो मोमेंटम होता है, मींस मोमेंटम मींस व्हाट मास इनटू दैट वेलोसिटी. अब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इनटू 10^-31 kg एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज कंपेरेबल अपन कंसिडर करें तो 10^6 m/s की वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है. ओके अब जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होंगी, एच इक्वल्स टू 6.6 × 10^-34 J/s. ओके अब यहाँ पर जो है वो लैम्डा की वैल्यू जो है उसमें अपन लैम्डा की वैल्यू जो है वो अपन फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यूज पुट कर देंगे. अब ये वैल्यूज पुट कर दी तो क्या होगा, 6.6 × 10^-34 J/s. ओके एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा मास इनटू दैट वेलोसिटी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 9.1 × 10^-31 kg और 10^6 m/s. ओके अब ये जब अपन सॉल्व करोगे तब आपके लैम्डा, मैं सॉल्वेशन नहीं बता रही हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, वो जो सॉल्वेशन है वो आप कैलकुलेटर का यूज़ करके चेकआउट कर लो. तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो मिली मुझे 725 nm के अराउंड, 725 nm के अराउंड. अब ये जो नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो आप काउंट कर सकते हो, आपके पास ऐसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स है या फिर आपके पास ऐसे मशीन्स है, ऐसा कुछ है जिससे आप नैनोमीटर तक की वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो इजीली. ओके अब ये जो फाइंड आउट करना है नैनोमीटर की वेवलेंथ वो आप फाइंड आउट कर सकते हो फॉर एन इलेक्ट्रॉन. बट अपन अब बात करेंगे माइक्रो पार्टिकल की, मतलब बड़े पार्टिकल की अगर बात करें तो मैंने एक बुलेट ली है जो 100 ग्राम की है. ओके अगर मैंने एक बुलेट कंसिडर की जो कि 100 ग्राम की है और वो मूव कर रही है 900 m/s के स्पीड से, अब जो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का जो रिलेशन है उससे अपन बोल सकते हो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, एच की वैल्यू आपको पता है क्या है, 6.6 × 10^-34. अब ये जो पी है वो फाइंड आउट करना है तो पी मीन्स वॉट मोमेंटा, जो कि अपन फाइंड आउट कर सकते हैं मास इनटू दैट वेलोसिटी. अब मास क्या है, 100 ग्राम, बट अपन यहाँ पर ग्राम्स में ले सकते हैं क्या, नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि होता है 0.1. ओके 100 ग्राम इक्वल्स टू 0.1 kg. ओके तो 0.1 और यहाँ पर तो ये मीटर पर सेकंड में, तो इसे कुछ कन्वर्ट करने का काम नहीं, इनटू 900. ओके अब ये जो है वो अगर आपने सॉल्व किया, इसे अगर आपने सॉल्व किया तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा नियर अबाउट 7.4 × 10^-36 m. अब 0.9 nm मीन्स 9 nm जो है वो अपन काउंट कर सकते हैं, बट इतने छोटे अमाउंट का जो है 10^-36 इतनी वेवलेंथ को आप फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और फाइंड आउट करने के साथ साथ इतने छोटे वेवलेंथ कहाँ एसोसिएटेड होंगी, मतलब उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना तो और ज़्यादा मुश्किल है. जब वो वेव ही इतनी छोटी है तो वो वेव कहाँ होंगी, कैसे एसोसिएटेड होंगी, ये फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. मीन्स वॉट कि जब यहाँ पर अपन बड़े पार्टिकल्स की बात करते हैं, जब यहाँ पर अपन माइक्रो पार्टिकल की बात करते हैं, तो आपको जो ये वेवलेंथ है वो इतनी ज़्यादा छोटी मिलती है 10^-36 m की, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट में आपको वेवलेंथ मिल रही है. इतने छोटे अमाउंट में वेवलेंथ को काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और अभी तक, मतलब अभी तक साइंस फील्ड में ऐसी कोई भी मशीन आप नहीं फाइंड आउट कर पाए जो इतने छोटे अमाउंट की वेवलेंथ कैलकुलेट करे
थेरोटिकली तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपन ने थेरोटिकल वैल्यूज तो निकाली, बट मशीन लेकर वो वेवलेंथ को काउंट करने की जो है वो ऐसी कोई भी मशीन अभी तक तैयार नहीं हुई। अगर कोई ये मशीन तैयार कर सकता है तो दैट इज़ अ ह्यूज रिवॉल्यूशन इन दिस फिजिक्स, ओके। और ये अभी तक नहीं हुआ है। माइक्रो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल के बारे में अगर आप वेवलेंथ कंसिडर करें तो क्या होता है, इसका सॉल्वेशन नहीं दिया है बट मैंने एग्जांपल लेकर बता दिया है कि ये कैसे पॉसिबल है, ओके। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट कि वेवलेंथ जो भी एसोसिएट करेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए वो फाइनाइट होंगी, मतलब जो है वो आप इजीली काउंट कर सकते हैं, इजीली वो डिटेक्टेबल है, वो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि उसका जो वेव पैटर्न है वो कैसा होगा, वो वेव कहाँ पे एसोसिएटेड होंगी, उसकी पोजिशन वगैरह क्या होंगी। लेकिन जो आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक्सप्लेन करना चाहा, मतलब बड़े पार्टिकल्स के लिए एक्सप्लेन करना चाहा, तो उस पार्टिकल के कंपेरिजन में जो वेवलेंथ है वो आपको क्या मिली, बहुत ज़्यादा छोटी मिली। अभी अपन ने एग्जांपल लिया तो उसमें 10^-36 मीटर की है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट में वो है। मतलब क्या है कि वो जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, छोटी अमाउंट की होने के वजह से डिटेक्टेबल नहीं है, वो आप निग्लेक्ट कर सकते हो, ओके। तो दैट्स वाई अपन बोलते हैं कि जो मैटर वेव है वो एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ओके, दैट मैटर वेव इज एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े पार्टिकल्स के लिए मैटर वेव नहीं है, इसका मतलब ये है क्या कि बड़े पार्टिकल के लिए माइक्रो पार्टिकल के लिए ये सब कुछ नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बट एज कंपेयर्ड टू दैट ऑब्जेक्ट वो बहुत ज़्यादा छोटे है और बहुत ज़्यादा छोटे अमाउंट के वजह से आप उसे इजीली निग्लेक्ट कर सकते हो। आपने अगर कभी देखा होगा तो अपन मैथमेटिकल सॉल्वेशन जब लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा छोटे अमाउंट है, अगर कोई 0 पॉइंट अगर आपको ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन में रहा कि 0.00000000 अगर 36 जीरो रहने के बाद में कोई नंबर है, ओके, 0.00000 30-36 मतलब 0000 होने के बाद में अगर कोई नंबर है तो आप तो 3 या 4 ही नंबर है तो आप उसे निग्लेक्ट कर देते हो। अगर -36 है तो वो तो निग्लेक्ट कर ही सकते हो ना, तो इस वजह से वो निग्लिजिबल है और उसकी वेवलेंथ को आप नहीं देखते हो, और उसको आप बोलोगे कि जो मैटर वेव है वो ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही आप स्टडी करते हो। मतलब यहाँ पर स्टडी नहीं करते, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एसोसिएटेड नहीं होंगी। जो डी ब्रॉग्ली ने बोला कि सारे पार्टिकल्स के लिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वो राइट है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, सभी पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होंगी, बट कुछ के लिए डिटेक्टेबल है और कुछ के लिए डिटेक्टेबल नहीं है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मैटर वेव क्या होता है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा कुछ अपन लेकर आने वाले हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही फिजिक्स वायर को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। और एक बात की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पर आई बटन में भी दे दी है प्लेलिस्ट की, तो जाकर आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।